हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर उनके द्वारा और भी अपराध किए जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने आरोपियों से 4,05,000 का मुद्देमाल भी बरामद किया। पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर हद में दिनांक 16/4/2023 को एक कंप्लेनेंट जो है एस्कर नाम की, तो ये सवेरे 10:30 बजे के दौरान बाहर निकले थे। अब उस दौरान दो जो पैदल चलने वाले लड़के थे उसमें से एक ने उनको पकड़ के रखा और दूसरे ने उनके गले की चेन छीन लिया था। उसमें से आधी चेन उनके हाथ आरोपियों के हाथ में लगी थी और आधी चेन वही गिर गई थी। ऐसी चेन स्नैचिंग करके आरोपी भाग गए थे वहाँ से। तो आरोपियों को पता लगाते तारीख 19/4/2023 को हमें कुछ गुप्त बातमीदारों से पता चला और उस आधार पर हमने और ज़्यादा तपास करने के बाद दो आरोपियों को हिरासत में लिया था। उसका एक का नाम है असलम काजी जो कि यशोदरा नगर में रहता है और दूसरे का नाम है आर्यन लांडगे जो जरीपटकाज में रहता है। इन अपराधियों के ताबे में लेने के बाद उनसे जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने वो चेन स्नैचिंग करने की कबूली हमें दी थी। चेन स्नैचिंग की कबूली देने के बाद उनसे हमने पूरा जो चेन स्नैचिंग किया उसमें का पूरा माल रिकवर कर लिया था जो कि 35,000 के लगभग का चेन था। और जो चोरी करने के लिए उन्होंने वाहन इस्तेमाल किया था तो वो भी हमने रिकवर कर लिया था। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने जब उनको और पूछताछ की तो उस पूछताछ में हमें हमारे पुलिस स्टेशन के उन्होंने और तीन गुने जिसमें से एक वाहन चोरी और दो चोरियाँ इतने ऐसी चोरियाँ करने का हमें पता चला तो हमने भी वो भी इन्वेस्टिगेशन में हमने रिकवर कर लिया। दोनों आरोपियों का रिकॉर्ड है जो असलम काजी है इसके ऊपर जरीपटका में तकरीबन 10 गुने दाखिल है। कुछ दारू बेचने के गुने हैं, कुछ शस्त्र कायदा के गुने हैं और चोरियों के भी गुने इसके ऊपर है। जो लांडगे नाम का आरोपी है इसके ऊपर भी 392 यानी चेन स्नैचिंग वगैरह के गुने, चोरी के गुने, ऐसे 10 गुने ये भी रिकॉर्डेड आरोपी इसके ऊपर भी गुने दाखिल है। ये आधार पे ही हमें पूरी सूचना मिली थी गुप्त बातमीदार से और हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये इसमें भी उन्होंने गुना किया, ये कबूल कर लिया था। आज तारीख तक के जो इन्वेस्टिगेशन में ये गुने का एक 35,000 की जो चेन थी वो, उसके बाद में एक व्हीकल जो उन्होंने गुना करने के लिए इस्तेमाल किया था वो, इसके अलावा हमारे पुलिस स्टेशन के जो एक बड़ा व्हीकल था टाटा का वो 3 लाख के करीब का एक व्हीकल है। ऐसे तकरीबन 3,45,50,000 तक का मुद्दा हमने रिकवर कर लिया है और इसके अलावा जो बाकी गुने थे वो उसमें प्रयत्न होने के कारण उसमें रिकवरी नहीं हो पाई।